बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं स्टार स्टूडियो। हम कर रहे हैं 8th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 5.2 का 9वां सवाल। व्हाट शुड बी एडेड टू 4x³ - 10x² + 12x + 6 सो दैट इट बिकम्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2x + 1। ये सवाल दिया गया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे होगा? एग्जैक्टली डिविजिबल कब होता है? जब रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू जीरो। जब बाकी कुछ नहीं बचता तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। तकसीम करना है तो इसको करते हैं जी साल। 4x³ - 10x² + 12x + 6 तकसीम 2x + 1। 2x + 1 अब क्या करना है जी? इस 2x को किसी तरीके से हमने 4x³ बनाना है। क्या करेंगे? इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x³ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x³। अब ये 2x² जो है ये इस 1 से भी जरब खाएगा तो +2x² तकसीम तफरीक करेंगे, नफी करेंगे, अलामतें तब्दील हो जाएंगी। ये प्लस का 4x³ और माइनस का 4x³ आपस में कट जाएंगे। माइनस के 10x² और माइनस के 2 तो माइनस के 12x² ऊपर से 12x 12x हम उतार लेंगे जमा का है। नफी 12x 2x को नफी 12x² बनाने के लिए -6x से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 ضرب 2 = 12 हो जाएगा जमा नफी नफी और x ضرب x x² और ये -6 ضرب 1 वही -6x हो जाएगा। ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। माइनस का 12x² और प्लस का 12x² आपस में कट जाएंगे। ये अब जमा के 6 और जमा के 12 तो ये 18x हो जाएगा, 18x हो जाएगा ऊपर से जमा 6 18 को। अब क्या करेंगे? 2x को हमने 18x बनाना है तो कैसे बनाएंगे? प्लस किस चीज से ضرب करेंगे? 9 से। 9 ضرب 2 18x। अब ये वाला 9 जो है ये इस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा +9। नफी नफी ये जमा का 18x और नफी का 18x आपस में कट जाएंगे। अब जमा के 6 हैं, नफी के 9 हैं तो नफी के 3 बच जाएंगे। वो कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी एडेड, इसमें हम क्या जमा करें कि ये पूरा पूरा तकसीम हो जाए। ये जो है सपोज अगर 6 में 3 जमा करें तो वो 9 बन जाएगा, 9 9 से कैंसिल हो जाएगा तो यानी एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। टू बी एग्जैक्टली डिविजिबल रिमाइंडर शुड बी 0 = 0। दस वी विल एड +3 - -3 टू डू इट 0। हेंस x - 3 = 0 x = 3। ये इसका आंसर है। इसका मतलब ये है कि इस रकम में जो असल दी गई है रकम 4x³ - 10x² + 12x + 6 इसमें 3 जमा करेंगे तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा इससे। ठीक, तो इसका जवाब क्या है? वो 3 है। व्हाट शुड बी एडेड? 3 शुड बी एडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलीनोमियल्स इज इतना, इफ वन इज इतना देन फाइंड द अदर पॉलीनोमियल। ठीक, सवाल नंबर है 10। इधर हम लिखेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? 6y³ -11y² +6y -1। अच्छा जी, उसके बाद 1 पॉलीनोमियल 3y² -4y
प्लस वन अदर या इसको हम सेकंड पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, ये हमने मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे जी? इसको अंदर रखेंगे, सिक्स वाई क्यूब माइनस इलेवन वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई माइनस वन माइनस प्लस सिक्स वाई माइनस वन डिवाइडेड बाय थ्री वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस वन तकसीम करेंगे, जो इसका जवाब होगा वो सेकंड पॉलिनोमियल होगी। अच्छा, अब तीन वाई स्क्वायर को हमने छह वाई क्यूब बनाना है। कैसे? तीन को दो से मल्टीप्लाई करें तो छह बनता है, वाई स्क्वायर को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई क्यूब हो जाएगा, सिक्स वाई क्यूब। अब ये दो वाई है, इससे भी जरब खाएगा तो माइनस एट वाई स्क्वायर माइनस एट वाई स्क्वायर, दो वाई एक से भी जरब खाएगा, जमा दो वाई नफी हो जाएगा, जमा हो जाएगा नफी हो जाएगा, ये जमा नफी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, नफी के ग्यारह वाई स्क्वायर है और जमा के आठ है तो नफी के तीन वाई स्क्वायर बच जाएगा, और जमा के छह वाई है नफी के दो तो जमा के चार वाई बच जाएगा, ऊपर से नफी एक उतारेंगे जी। अब क्या करेंगे? अब सिर्फ और सिर्फ माइनस वन से हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि तीन वाई स्क्वायर है, इधर भी तीन वाई स्क्वायर है, सिर्फ उसकी अलामत तब्दील करनी है, तो अलामत तब्दील करने के लिए माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस वन माइनस थ्री वाई स्क्वायर, अब प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फोर वाई प्लस फोर वाई, और प्लस माइनस माइनस वन मल्टीप्लाई बाय वन वन होता है, ये जमा हो जाएगा ये नफी हो जाएगा, ये जमा हो जाएगा, प्लस माइनस आपस में कैंसिल, प्लस माइनस आपस में कैंसिल, माइनस प्लस आपस में कैंसिल, जीरो। दस द सेकंड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू टू वाई माइनस वन लास्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी द पॉलिनोमियल फला बिकम्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इतना। हाँ जी, वही बात है पिछले सवाल वाली जी। ग्यारहवां सवाल है, थ्री एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस पी तकसीम करवाएंगे किस चीज से? एक्स माइनस थ्री अब इस एक्स को थ्री एक्स क्यूब बनाना है तो ये तीन एक्स स्क्वायर, इस नफी तीन से भी जरूर खाएगा तो माइनस नाइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये जमा हो जाएगा ये नफी हो जाएगा, ये जमा नफी आपस में कट जाएंगे तो ये नफी के हैं सात और जमा के नौ, तो जमा के दो एक्स स्क्वायर बच जाएंगे, माइनस नाइन एक्स प्लस पी। अब क्या है जी, इस एक्स को दो एक्स स्क्वायर बनाना, जमा दो एक्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की पावर एक ये वाली और एक ये वाली, और माइनस सिक्स एक्स दो तरफ तीन छ सिक्स एक्स हो जाएगा, ये जमा हो जाएगा ये नफी हो जाएगा, ये जमा नफी आपस में कट जाएंगे, नफी के नौ हैं जमा के छ हैं तो नफी के तीन एक्स प्लस पी। अब एक्स को नफी के तीन एक्स बनाना है तो माइनस तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस नाइन। अच्छा जी, ये नफी हो जाएगा ये जमा हो जाएगा ये प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे, इधर क्या बच गया पी माइनस नाइन, एग्जैक्टली डिविजिबल होने के लिए जो रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू जीरो, पी माइनस नाइन इक्वल टू जीरो इंप्लाइज दिस पी इज इक्वल टू नाइन। सवाल क्या था कि p की क्या वैल्यू होनी चाहिए थी, चाहिए कि जो ये जो है पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। 10 p शुड बी इक्वल टू 9, दिस इज आंसर। दिस इज आवर लेक्चर फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगे
तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।